हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था आरसी सर्किट, उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था, आरसी सर्किट के लिए टाइम डोमेन एनालिसिस किया था, मीन्स चार्जिंग ग्राफ और डिस्चार्जिंग ग्राफ हमने आरसी सर्किट के लिए ड्रॉ किया था, कैपेसिटर के लिए ड्रॉ किया था। इस लेक्चर में मैं आपको आरएल सर्किट के लिए सेम उसी टेक्निक से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, मीन्स द करेंट चार्जिंग एंड द करेंट डिस्चार्जिंग अक्रॉस ए कैपेसिटर, अक्रॉस ए इंडक्टर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा जो मैं जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखा है आरसी सर्किट का, तो प्लीज पहले आप आरसी सर्किट का लेक्चर देखिए और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए, ताकि आपको आरएल सर्किट के एनालिसिस इजीली समझ में आए। ठीक है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे वहां पे हमने क्या एनालाइज किया था, सबसे पहले ये देखिए टाइम डोमेन एनालिसिस मतलब क्या है, कि यहाँ पर इंडक्टर का हम टाइम के साथ रिस्पांस निकालेंगे कि क्या रिस्पांस इंडक्टर का हो रहा है, यानी चार्जिंग कैसे हो रहा है, डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है, ये चीज हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये सर्किट एज्यूम किया हुआ है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस आर एल सर्किट, कंसिडर आर एल सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट ऑर्डर ही लिया है, आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए कंसीडर आरएल सर्किट। ठीक है, अब एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, ये स्विच जो है इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर इस स्विच को मैं क्लोज करता हूं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं इंडक्टर करंट की बात करूं, यहां पे अगर मैं इंडक्टर करंट एज्यूम कर रहा हूं आई एल, ठीक है, तो अगर मैं इंडक्टर करंट की बात करूं आई एल जीरो माइनस, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया जीरो माइनस का मतलब स्विच को कनेक्ट करने से जस्ट पहले, स्विच को कनेक्ट करने से जस्ट पहले करंट की वैल्यू क्या होगी इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, जब स्विच ये कनेक्ट ही नहीं है तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, और हमें ये पता है कि इंडक्टर जो है वो सडन चेंज अलाउ नहीं करता। ठीक है, इंडक्टर भी यही प्रॉपर्टी है और कैपेसिटर की भी यही प्रॉपर्टी है, रेसिस्टेंस की तरह नहीं है, करेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस आई एल जीरो प्लस, यानी स्विच के जस्ट कनेक्ट होने के बाद भी जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, करेक्ट। ठीक है, दूसरा चीज अगर मैं देखूं, अगर ये स्विच यहां पर कनेक्ट हो जाए, अब जब ये स्विच यहां पर कनेक्ट होगा तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कनेक्ट होगा तो यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरा इंडक्टर पूरा चार्ज हो गया, मींस आई एल इंफिनिटी, यानी बहुत टाइम तक अगर ये स्विच कनेक्ट रहे तो इंडक्टर कैसे एक्ट करता है, इंडक्टर एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, एग्जैक्टली आपका जो कैपेसिटर है उसका अपोजिट होता है। आपने वहां पे देखा कैपेसिटर क्या होता, ओपन सर्किट हो रहा था, तो ये वोल्टेज इस वोल्टेज के इक्वल हो जा रहा था और करंट की वैल्यू क्या जाती, जीरो हो जा रही थी। यहां पे अगर मैं देखूं तो अगर ये इंडक्टर बहुत देर तक अगर स्विच से कनेक्टेड है, स्विच कनेक्टेड और वी से कनेक्टेड है, तो आई एल इंफिनिटी यानी एट टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी कितना वोल्टेज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, देखिए ये रेसिस्टेंस, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया और ये मेरा वोल्टेज, करेक्ट। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि ये जो करंट है आई एल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आप आई एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आई एल इंफिनिटी इज इक्वल टू वी बाई आर, करेक्ट। ठीक है, वी बाई आर, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम एनालिसिस करते हैं इसका। तो स्विच कनेक्ट होने के बाद अगर ये स्विच यहां से कनेक्ट हो गया ये इस तरह से, तो ये क्या हो गया, पाथ कंप्लीट हो गया। तो स्विच कनेक्ट हो गया तो मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं, केवीएल में लगा रहा हूं यहां पर, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर जो करंट है वो आई है। ठीक है, तो यहां पे केवीएल में मैं क्या लिख सकता हूं, वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज वी। ठीक है, वी आर को मैं कैसे लिख सकता हूं, आई मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, हमें पहले से पता है ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है। ठीक है, तो वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजोल्व करना है, तो मैं इसको एल को बोथ साइड डिवाइड कर सकता हूं, तो
तो अगर एल को मैं बोथ साइड डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल आई इज इक्वल टू वी बाई एल, करेक्ट, वी बाई एल, ठीक है, इसको मैंने एल से डिवाइड कर दिया। अब ये जो फॉर्म आया, ये जो आपका फॉर्म आया, ये क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और इसका सोल्यूशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, यहां पे बता देता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं इसको कंपेयर करूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कैसे था, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं तो क्या था, डी आई बाई डी टी प्लस पी आई इज इक्वल टू क्यू, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या होगी, पी इज इक्वल टू आर बाई एल, पी इज इक्वल टू आर बाई एल, करेक्ट, और क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू इज इक्वल टू वी बाई एल, ठीक है, पी इज इक्वल टू आर बाई एल, क्यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो वो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ वो क्या आया, मैं यहां एक बार यहां फिर से लिखता हूं, डी आई बाई डी टी प्लस प्लस आर बाई एल आई इज इक्वल टू वी बाई एल, ठीक है। अब अगर इसका सॉल्यूशन देखूं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक होता है आपका नेचुरल नेचुरल सॉल्यूशन, और वी कैन से द नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स रिस्पांस, ठीक है, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो रिस्पांस होगा, द टोटल रिस्पांस, द टोटल रिस्पांस अगर इसका हमें निकालना है तो वी कैन ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, टोटल रिस्पांस इज इक्वल टू नेचुरल रिस्पांस, नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स रिस्पांस, फोर्स रिस्पांस, करेक्ट। और अगर इसको मैं वैसे देखूं तो आपको पता होगा, इसको हम दो पार्ट में वहां पे ट्वेल्थ में जो आपने पढ़ा है वहां पे हम ब्रेक करते हैं, तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पीआई, तो दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज बेसिकली नथिंग नेचुरल रिस्पांस एंड दिस पीआई इज द फोर्स रिस्पांस, ठीक है, ये मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूं पिछले लेक्चर में भी, आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है नेचुरल रिस्पांस और फिर फोर्स रिस्पांस, तो सबसे पहले मैं नेचुरल रिस्पांस फाइंड आउट करता हूं, तो नेचुरल रिस्पांस, ठीक है, तो नेचुरल रिस्पांस कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेचुरल रिस्पांस का मतलब ये हुआ कि दिस इज द रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम, दिस इज द रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम, रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम व्हेन इनपुट इज जीरो, मीन्स नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है सिस्टम का, जब हमने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया। एंड वट इज फोर्स रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम व्हेन इनपुट इज प्रेजेंट, यानी जब हमने इनपुट लगाया और टी इज इक्वल टू इंफिनिटी टाइम तक उसको टी इज इक्वल टू इंफिनिटी यानी जो भी रिस्पॉन्स है उससे सैचुरेट होने दिया, टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे देखा, तब जो रिस्पॉन्स होगा वो फोर्स रिस्पॉन्स होगा, करेक्ट। तो अब आरएल सर्किट में हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स होगा, तो आरएल सर्किट का अगर मैं नेचुरल रिस्पॉन्स निकालू, नेचुरल रिस्पॉन्स, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको मैं दिखा रहा हूं, नेचुरल रिस्पॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई एन टी, करेक्ट, इंडक्टर कह रहा है आई एन टी, तो ये जो है नेचुरल रिस्पॉन्स के लिए मुझे क्या अज्यूम करना है, इनपुट इज जीरो, मीन्स दिस वी बाई एल, वी इज इक्वल टू जीरो, तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल आई इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो, बिकॉज दिस वी इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। अब ये जो इक्वेशन आया, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन, और वी कैन से फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन,
और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, इसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आता है ININT इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस पी टी होता है, तो मैंने स्टैंडर्ड से पी ए होता है, ये पी है तो इसको लिख सकते हैं ए ई रेस टू द पावर माइनस आर बाई एल टी, करेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द नेचुरल रिस्पॉन्स। और फोर्स रिस्पॉन्स मैंने आपको क्या कहा, फोर्स रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम when the input is applied for time t is equal to infinity, ठीक है। तो अगर मैं t is equal to infinity, अब जरा सर्किट में देखते हैं, अगर मैं यहां पर t is equal to infinity तक इसको बहुत देर तक लगाए तो I infinity की वैल्यू क्या आ रही है, V by R, यानी डायरेक्टली करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V by R। तो यहां से मैं देख सकता हूं, ध्यान से देख लीजिए, देखिए ये कनेक्टेड है तो ये इंडक्टर क्या होगा, पूरा चार्ज हो जाएगा, पूरा चार्ज हो जाएगा मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। I इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ रही है, V बाई आर। तो यहाँ से जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, यहाँ पे जो हमारा फोर्स रिस्पॉन्स आ रहा है आई एफ टी इज इक्वल टू आई एफ टी तो यहाँ से जो फोर्स रिस्पॉन्स आ रहा है आई एफ टी इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टोटल रिस्पॉन्स कैसे निकलेगा, टोटल रिस्पॉन्स इज द सम ऑफ दिस टू, तो टोटल रिस्पॉन्स आई एल टी इज इक्वल टू नेचुरल रिस्पॉन्स ए ई रेस टू द पावर माइनस आर बाई एल टी प्लस वी बाई आर, करेक्ट, प्लस वी बाई आर। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो जैसे हमें प्रीवियस सी आर सी सर्किट के लिए रहता है, ए की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, वी पुट टी इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज आई एल जीरो इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर टी इज इक्वल टू जीरो, तो ई रेस टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, करेक्ट, ए प्लस वी बाई आर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आई एल जीरो, यहां से आप देख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आई एल जीरो, जीरो। इनिशियली क्या था, क्या इंडक्टर डिस्चार्ज था, तो आई एल जीरो, तो आई एल जीरो की वैल्यू हमारी कितनी है, जीरो, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आई एल जीरो की वैल्यू जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस वी बाई आर। तो सिंपली क्या कह सकते हैं हम, ए इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर, ठीक है। ए की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो अब पूरा टोटल रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, आई एल टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस वी बाई आर ई रेस टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी प्लस वी बाई आर, और इसको अगर थोड़ा सा अरेंज कर ले तो ऐसे लिख सकते हैं वी बाई आर वन माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी, ठीक है। ये हो गया आपका, दिस इज द इंडक्टर करेंट एट एनी टाइम टी, ठीक है। किसी भी टाइम टी पर इंडक्टर का करंट क्या होगा उसका एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस में प्लॉट किया था, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यानी ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे, आई एल टी वर्सेज टी का ग्राफ, तो ये ग्राफ क्या होगा वो हम देख लेते हैं, आइए। तो आई एल टी और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, और ये एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, जो अभी हमने ऊपर ये एक्सप्रेशन निकाला। तो यहाँ पे अगर टी की वैल्यू मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, तो ई रेस टू द पावर टी जीरो होगा, मतलब ई रेस टू द पावर जीरो मतलब ये वन हो जाएगा, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आई एल टी क्या हो जाएगा, टी जब जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। और हमें पता भी है क्योंकि इंडक्टर करेंट क्या है, जब स्विच ओपन था तो इंडक्टर करंट क्या था, जीरो था, और जस्ट क्लोज करने के जस्ट थोड़ी देर बाद भी जीरो ही है, तो जीरो से स्टार्ट होगा। और जो इसका बिहेवियर होगा वो जो हमने आरसी सर्किट का बनाया था बिहेवियर, सेम उसी तरीके का बिहेवियर होगा इसका भी, ठीक है। तो मैं सारे यहां पर दिखाने रहा, अगर मैं टी इज इकल टू एक टाइम कॉन्स्टेंट मीन्स टी इज इकल टू एल बाई आर पुट करूं, देखिए एल बाई आर मैं क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि अगर टी इज इकल टू एल बाई आर पुट करूंगा तो यहाँ क्या जाएगा एल बाई आर, तो ये कट के e रेस टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा। तो पहला t इज इक्वल टू एल बाई आर में जब पुट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस दिस, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी
मान लीजिए ये है मेरा फर्स्ट टाइम कांस्टेंट पे, कितने पे, ये एल बाई आर पे, जब मैंने एल बाई आर रखा फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.636, और ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज ऑफ वी बाई आर, करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, वी बाई आर, ये मैं मान लेता हूँ वी बाई आर है, जो मैक्सिमम तक जाएगा वो वी बाई आर है, एक टाइम कांस्टेंट पे, और ये टाइम कांस्टेंट कितना हो गया यहाँ से, टाइम कांस्टेंट टी इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो जैसे वहां पर हमने आरसी सर्किट में डिस्कस किया था टाइम कांस्टेंट टी इज इक्वल टू आरसी, वैसे ही इंडक्टर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, एल बाई आर, ठीक है। तो यहां से टाइम कांस्टेंट मैं डिफाइन कर सकता हूँ, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरएल सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच इट्स वैल्यू रीचेज अप टू 0.636 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो ये आप टाइम कांस्टेंट देख सकते हैं। इसी तरीके से अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट में, यहाँ पे 5 टाइम कांस्टेंट में ये चीज क्या आ जाएगा आपका, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट, 5 एल बाई आर, ये रिस्पांस जो है अप्रोक्सीमेटली वी बाई आर के इक्वल हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही हमें प्लॉट करना है, टी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे पुट किया टी इज इक्वल टू एल बाई आर, तो इस पे वैल्यू कितनी आई हमारी, आई एल टी इज इक्वल टू 0.636 वी बाई आर, करेक्ट। अगर t इज इक्वल टू 2l बाई आर पुट करूंगा, तो 2l बाई आर पुट करूंगा तो e रेस टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो आई एल टी आप यहां से निकाल सकते हैं, दिस आई एल टी इज इक्वल टू 0.86 वी बाई आर, सेम आर सी का जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा। तो t इज इक्वल टू 3l बाई आर अगर आप पुट करेंगे तो आ जाएगा आई एल टी इज इक्वल टू 0.95 वी बाई आर। तो मैं एक और 3L by R वाला प्लॉट कर देता हूँ, 95 मीन्स करीब करीब ये आपका ये चीज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज एट T इज इक्वल टू 3L by R, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं देखूँ 2 पे, तो ये 86%, मतलब ये मैं मान लेता हूँ 86% के करीब है, सो दिस इज इक्वल टू 2L by R, करेक्ट। और 4 पे आप जाएंगे तो ये वेवफॉर्म है, तो दिस इज इक्वल टू 4L by R, ठीक है। सो T इज इक्वल टू 4L by R, तो आई एल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.98 V by R, एंड एट T इज इक्वल टू 5L by R, आई एल टी इज अप्रोक्सीमेटली 0.9998, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 100% V by R। तो ये ग्राफ हो गया आपका इंडक्टर के चार्जिंग का, सेम वैसे ही जैसे हमने कैपेसिटर के लिए किया था। तो ये नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इंडक्टर, कैसे हम डिस्चार्जिंग के लिए ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, डिस्चार्जिंग के लिए ये सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं। अब इस सर्किट में क्या है, मैंने इंडक्टर को पहले से ही चार्ज कर दिया 1 पे कनेक्ट करके, तो जब मैं 1 स्विच पे इसको कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जा रहा है, ये चार्ज हो जा रहा है। तो यहां पे जो एट टी इज इक्वल टू जीरो मैं एज्यूम कर रहा हूं आई एल टी इज इक्वल टू, दिस इज फुली चार्ज, तो आई एल टी अगर पूरा चार्ज है तो सर्किट कैसा बनेगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो द सर्किट इज लाइक दिस, ठीक है, इस तरह का सर्किट था, करेक्ट। 1 से कनेक्टेड है, और ये इंडक्टर क्या हो गया, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि फुली चार्ज हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा वी आर, सो वट इज आई एल टी एट टी इज इक्वल टू जीरो, आई एल जीरो माइनस, मीन स्विच जस्ट कनेक्ट होने से पहले कितना है, वी बाई आर। तो यहां से आप देख सकते हैं आई एल जीरो प्लस भी क्या हो जाएगा, वी बाई आर, तो ये चेंज हो गया। वहां पे हमने प्रीवियस केस में क्या किया था, आई एल जीरो क्या रहा था, जीरो, क्योंकि इंडक्टर डिस्चार्ज था, ठीक है, और यहां पे इंडक्टर फुली चार्ज है। अब मैंने क्या किया, एट टी इज इक्वल टू जीरो दिस स्विच इज चेंज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, यहां पे मैं ले आया 1 से 2 पे कनेक्ट किया। तो जब मैंने इसको 1 से 2 पे कनेक्ट किया, तो आपका ये सर्किट तो हट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस सर्किट को मैं रिमूव कर देता हूं। जब मैंने 1 से 2 किया, तो ये सर्किट आपका हट गया पूरा, करेक्ट। तो आपके पास जो सर्किट बचा वो ये बचा, ठीक है। अब इस सर्किट को हमें एनालाइज करना है डिस्चार्जिंग के लिए, ये सर्किट बचा हमारे पास, तो देख सकते हैं ये सर्किट ऐसे कनेक्ट हो गया, दिस इज द सर्किट। तो फिर मैं वही करता हूं, इसमें मैं केवीएल लगा देता हूं, तो केवीएल क्या हो जाएगा, वी आर
प्लस वी एल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू जीरो। तो वी आर को कैसे लिख सकता हूं मैं, आई एल, देखिए आई और आई एल दोनों सेम ही है, तो आई एल प्लस एल डी आई एल बाई डी टी, आर भी रहेगा यहां पे, आर आई एल प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, तो डी आई एल बाई डी टी प्लस आर बाई एल आई एल इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ये इक्वेशन सेम वही है जो हमने नेचुरल रिस्पॉन्स के लिए देखा था, मैंने वहां पर यही एज्यूम किया था, वी को जीरो किया था नेचुरल रिस्पॉन्स। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मैं ऊपर बता चुका हूं आपको, तो आई एल टी इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी, ठीक है। अब यहां पर फोर्स रिस्पॉन्स क्या होगा, व्हाट इज फोर्स रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स इज जीरो। वाई जीरो, बिकॉज नो सोर्स इज देयर इन द सर्किट, नो सोर्स, ठीक है, फोर्स रिस्पॉन्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो टोटल रिस्पॉन्स भी ये हो जाएगा, तो आई एल टी इज इक्वल टू ए ई ए रेस्ट टू द पावर माइनस आर बाई एल टी प्लस फोर्स रिस्पॉन्स क्या हो गया, जीरो। सो दिस इज इक्वल टू ए ई रेस्ट टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एट टी इज इक्वल टू जीरो आई एल टी, आई एल जीरो, जीरो पुट कर देता हूं, इज इक्वल टू ए। अब आई एल जीरो की क्या वैल्यू है, यहां पे हमने फाइंड आउट किया था आई एल जीरो की क्या वैल्यू है, वी बाई आर, करेक्ट, दिस वन वी बाई आर। तो वी बाई आर यहां पे पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहां से, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू फ्रॉम हियर ए इज इक्वल टू वी बाई आर। वाई वी बाई आर, बिकॉज आई एल जीरो इज इक्वल टू वी बाई आर। तो ये ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टोटल रिस्पॉन्स आएगा आई एल टी इज इक्वल टू वी बाई आर ई रेस टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी। अब ये जो इक्वेशन आपको मिला है, ये इक्वेशन किस चीज का है, दिस इज द डिस्चार्जिंग इक्वेशन। तो यहां पर भी हम पुट करते हैं, मान लीजिए टी इज इक्वल टू जीरो पे आई एल टी की क्या वैल्यू होगी, आई एल टी इज इक्वल टू, ये जीरो होगा मतलब वन, दिस इज वी बाई आर, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है। फिर अगर t इज इक्वल टू एल बाई आर, मतलब एक टाइम कॉन्स्टेंट पे आई एल टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो पॉइंट, वैल्यू पुट करके देख लेंगे कैलकुलेटर में, जैसे हमने कैपेसिटर के खेल दिया है, 0.36 वी बाई आर, ठीक है। t इज इक्वल टू टू एल बाई आर अगर मैं पुट करता हूं तो यहां से आ जाएगा आई एल टी इज इक्वल टू 0.135 वी बाई आर। इसी तरह से आप टी इज इक्वल टू अगर मैं 3, 4, 5 एल बाई आर पुट करता हूं, दिस आई एल टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, जो वैल्यू आएगी आपकी 0.0067 वी बाई आर, यानी 5 टाइम कांस्टेंट में पूरा डिस्चार्ज। तो अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मेरा ग्राफ कैसे आएगा, ये अगर टी लेता हूं, ये टी, ये आई एल टी, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू है, v बाई आर, और इस तरह से आपका क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और अप्रोक्सीमेटली एट 5t, दिस 5t, और टाइम कांस्टेंट क्या है, 5l बाई आर, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। एक टाइम कांस्टेंट में कितना जा रहा है, 0.36, मींस सम आउट हियर, सो दिस इज t, और t आपको पता है l बाई आर है। इसी तरीके से दिस इज 2t, दिस इज 3t, सिमिलरली दिस इज 4t, 2t, 3t, 4t। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली द डिस्चार्जिंग बिहेवियर ऑफ ए इंडक्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक मेरा खत्म होता है, और इस तरह से मैं टाइम डोमेन एनालिसिस RL सर्किट का मैंने आपको समझाया। और अगर दोनों लेक्चर को आप RC सर्किट और RL सर्किट को अगर आप देखते हैं तो इजीली आप दोनों लेक्चर को समझ सकते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की और रिस्पॉन्सेज आपको समझाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, एंड थैंक यू एंड गुड डे।